सीरापुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। देश में बीते 24 घंटे में 38,949 नए केस आए, देश भर में 24 घंटे में 542 मरीजों की हुई मौत। आगरा में सपा के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, नारे लगवाने वालों पर एक्शन, 5 गिरफ्तार। एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का निधन, बालिका वधू की दादी सा के रोल में हुई थी फेमस, दिल का दौरा पड़ने के बाद ली अंतिम सांस। एमपी के विदिशा में 35-30 लोग कुएं में गिरे, 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, 3 की मौत, ऑपरेशन जारी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर उत्तर प्रदेश की खास खबरें। ताजनगरी आगरा में सपा के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बता दें कि कल ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आगरा की तहसील पर प्रदर्शन किया गया, जिसके दौरान प्रदर्शन से लौटते समय समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। जिस प्रकरण में आगरा पुलिस द्वारा थाना नाई की मंडी में 5 नामजदों और 20-25 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कल समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में जो आगरा तहसील का घिराव किया गया था, उसमें कलेक्ट्री से जाते हुए इनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी शामिल था और लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में वो भी शामिल जिंदाबाद कह रहा था। अखिलेश यादव जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहता है कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, आतंकवादियों के समर्थन में पुलिस का विरोध करने लग जाते हैं। ऐसे देश विरोधी लोग जो मुलायम सिंह यादव ने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या करवा दी गई, इन दोनों बाप बेटों को, इनके महानगर अध्यक्ष को, तीनों को तत्काल देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल। बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत एक महिला ने अपने ऊपर झूठे मुकदमे लगाने की धमकी को लेकर एसएसपी कार्यालय आकर शिकायत पत्र सौंपा है। बता दें कि पीड़िता पेशे से अध्यापिका और उनके पति पूर्व प्रधान रह चुके हैं और उनकी बेटी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है, जिसको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि उनकी बहू कई लोगों के साथ मिलकर के उनके परिवार के ऊपर मुकदमे लगाने की धमकी देती है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, जिसको लेकर एसएसपी ऑफिस आकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी बात रखी। वहीं एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन दे दिया है। हरदोई के कुथावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पिपरी में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जमकर धांधली की जा रही है, जिसमें लगभग 20 आवास आपात्रों को दिए जाने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। महदेवरा पिपरी अमरगंज के लाभार्थियों द्वारा बताया गया है कि ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक आवास दिलाने के नाम पर 10,000 से 15,000 रुपए की वसूली की जा रही है। मामले की शिकायत जनपद के अधिकारियों से लेकर प्रदेश के मुखिया तक की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ग्रामीणों द्वारा जांच की मांग की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली को लेकर ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर में दबंग आए दिन कोई ना कोई वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। वहीं दबंगों ने गरीब किसान के घर में तोड़फोड़ और मारपीट की। गरीब किसान देशराज चौरसिया बंथरा थाने में सूचना भी दी गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दबंगों के द्वारा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान में तोड़फोड़ सरेआम की गई। शिकायत के बावजूद भी अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गरीब किसान का ये घर है जहां पर तोड़फोड़ की जा रही है दबंगों के द्वारा। वहीं शिकायती पत्र दे दिया गया है, लेकिन गरीबों का कहना है, किसान का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक इस घर तोड़ो दबंगों द्वारा कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा दबंगों पर नहीं की गई है। तो दबंगों के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरेआम एक गरीब किसान का घर तोड़ा जा रहा है।
लखनऊ में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनके पोस्टर की झड़ी लगी हुई है। लखनऊ प्रवास के दौरान वो पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से हमने अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में देखा किस तरह से अराजकता हुई, किस तरह से न्याय कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के हैं, नौजवान की बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को लेकर के और 2022 की किस तरह से कांग्रेस तैयारी करेगी, किन मुद्दों को लेकर जाएगी, इन पर चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा। वरिष्ठ नेता सब बैठेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता बात करेंगे प्रियंका जी, और अपने 3 दिवसीय इस प्रवास के 2022 में एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी एक विकल्प बनकर के उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लगभग राज्य के अलग अलग जिलों से यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और किस तरह से उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच। और मैं आपको बता दूँ, ये वही रास्ता है जहाँ से प्रियंका गांधी का काफिला गुजरेगा और ये सीधा यहाँ से निकल के हजरतगंज GPO चौराहे पहुँचेंगे और वहाँ पर जो गांधी प्रतिमा का लोकार्पण करेंगी, कांग्रेस मुख्यालय का पार्टी पदाधिकारी हैं उनके साथ प्रियंका गांधी जो रोजगार के लिए जो युवा बेरोजगार है और जो विभिन्न मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और किसान पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और पार्टी में जो घोषणा पत्र के लिए जो समीक्षा बैठक होगी उसको लेकर किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरामैन सरोज के साथ आजहर खान। यूपी में बेरोजगारी का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन बेरोजगारी को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं पिछले कई दिनों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी कई सारी मांगों को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 2 सालों से अभ्यर्थियों का लगातार प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। योगी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आरक्षण का घोटाला नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। पिछले कई दिनों से लखनऊ के SERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इनकी 2 मांगे हैं, एक तो आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खाली पद भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल मई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था। इसके अलावा एक RTI के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों के करीब 1.7 लाख पद खाली हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आए दिन कहीं न कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं इसी को लेकर 13 जुलाई को ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर पहुंच गए। वे मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों को हटाना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का दावा है कि जब उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया तो उनके साथ पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज भी की। आखिर कब तक युवा रहेंगे बेरोजगार? यूपी में कब तक रहेगी बेरोजगारी? क्या यूपी सरकार पूरी तरह है विफल? वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि OBC वर्ग को इस भर्ती में 27% की जगह 4% से भी कम आरक्षण मिला। अब
अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी। इस अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि 5,844 सीटों का आरक्षण में अनियमितताएं हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण नहीं मिला और उन्हें अपने कोटे की 18,598 सीट में से केवल 2,637 सीट ही दी गई थी। हालांकि सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज कराई है उन सभी को इस भर्ती में शामिल किया जाए। साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जो इस मामले में हाईकोर्ट पहुँचे हैं। रोजगार के नाम पर राजनीति। बेरोजगारी का सिलसिला लगातार जारी। क्या अभ्यर्थी के प्रदर्शन का कुछ हो रहा है फायदा? कब तक अभ्यर्थी करते रहेंगे प्रदर्शन? अब अगर पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा का नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और ट्रेनिंग न होने को लेकर प्रदेश में बवाल मचा है। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 4 चरणों में ट्रेनिंग कराने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे 2 चरणों में समाप्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती 2018 के अभ्यर्थी अपना मेडिकल परीक्षण कराने को 2 साल से परेशान थे, जिसमें से 49,568 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को कोरोना काल में मेडिकल परीक्षण और ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। पहले चरण में सिर्फ 14,000 सिपाहियों का चयन हुआ था। वहीं दूसरे चरण में 17,360 सिपाहियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अगर ऐसा चलता रहा तो अभ्यर्थी कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? अगर इनके प्रदर्शन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वहीं सरकार आए दिन कहीं ना कहीं दौरा करते रहते हैं, लेकिन क्या उनकी नजर इन बेरोजगार युवाओं पर नहीं जाती है? आखिर कब तक बेरोजगार युवा अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे? पूरे देश कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, लेकिन कहां तक ये खुद में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की लापरवाही बरत रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग कितने ज्यादा चिंतित हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो ये राज्य भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ के लोग भी कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले आनंद उठाने में पीछे नहीं रहना चाहते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग जिस तरह से बेखौफ होकर बाजार हटों में घूम रहे हैं, उससे कोरोना की तीसरी लहर को बेशक दावत मिल रही है। यूपी में कैसे थमेगा तीसरी लहर का खतरा? ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही सैनिटाइजेशन। क्या लोगों को नहीं है कोरोना का खौफ? कोरोना की नजर, लेकिन लोग बेखबर। लोगों में लापरवाही कहीं पड़ ना जाए भारी। ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही सैनिटाइजेशन। क्या तीसरी लहर से यूपी बच पाएगा? गलियों से लेकर चौराहों तक, घर से लेकर बाजारों तक अगर लोग दिखते हैं तो वो बेखबर। शायद कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में कोई खौफ नहीं बचा है। कोरोना की पहली और फिर उसके बाद दूसरी, तो दूसरी लहर जाने के बाद में अनलॉक हो गया जब पूरा देश, उसके बाद में अब ये तीसरी लहर का भी आगाज हो गया। तीसरी लहर को भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक चेतावनी दी गई है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, जिसमें बच्चों के लिए भी ये तीसरी लहर बहुत ही हानिकारक। इसको लेकर लोग कितना लापरवाह हैं, हम ये लोग, हम इसलिए इस चीज़ को देखने के लिए, दिखाने के लिए दर्शकों को, हम यहाँ एक जो राजपुर चुंगी बोला जाता है इस जगह को, यहाँ आ चुके हैं
और इनसे बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ना तो दो गज की दूरी को अपनाया है और ना ही मास्क लगाया है, जिसको लेकर हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं और इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें इनको मास्क भी लगाना जरूरी है और इतने लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है? सूरज। जिस तरह की ये तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, दूसरी लहर अभी निकल के गई है, कोरोना जैसी महामारी संक्रमण महामारी फैल गई थी, आपने तीसरी लहर का जो आगाज है आपने मास्क नहीं लगाया है, तो आप क्या मास्क पहनता हूँ? अभी है नहीं फिलहाल में, फिलहाल में अभी मास्क नहीं है। तो वैसे आपको कोरोना की तीसरी लहर के बारे में पता है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, तीसरी लहर आने वाली है, आपको मास्क लगाना चाहिए। ओके, आप आगे से मास्क लगाएंगे? ओके। यह हमारे साथ ये भैया एक मौजूद हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है और हम इनसे बात करते हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने मास्क लगा रखा है और ये किस तरह नियम को फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह डाकर। आपने मास्क लगा रखा है, आप हर बार मास्क क्यों लगाए रखे हैं? इसलिए लगा रखे हैं कि ये सरकार का पालन करना चाहिए, उन्होंने कहा है जैसे मानना चाहिए, क्योंकि पहली लहर में लापरवाही दी तो दूसरी लहर में सबको पता चल चुका था कि बहुत खतरनाक बीमारी है। अब सरकार आके मास्क तो नहीं लगाएगी, ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि इसके बारे में हमें मास्क लगाना चाहिए, दो गज की दूरी रखनी चाहिए। और गवर्नमेंट तो बहुत कुछ अच्छा काम कर रही है, उसको हम पालन नहीं करेंगे तो इससे बड़ा तो हमारे लिए होगा नतीजा। हम तो चाहते हैं कि सभी लोगों को कहें तो मास्क लगाएं और इसका पालन करें, दो गज की दूरी करें, और इससे बढ़ के उन्हें ज़्यादा दोबारा खतरनाक बीमारी आ सकती है और हम उसको न्योता दे रहे हैं बगैर मास्क लगाएं, और उसको दोबारा आ सकती है, दोबारा आ सकती है, इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है, ये तो आम जनता अपने आप पर। आपकी तरफ से जनता को क्या संदेश है कि मैं तो यही कहूँगा जनता से कि आप मास्क लगाएं और इसका पालन करें, दो गज की दूरी रखें और बढ़िया अच्छे से रहें, अपना खान पीने का ध्यान दें, सैनिटाइज करें और जो गवर्नमेंट का पालन है उसका सबका ध्यान रखें। तो ये हमारे साथ एक भाई ऐसे मौजूद थे जो कि जिन्होंने मास्क पहले से लगा रखा था, हमने इनसे बात की कि इन्होंने मास्क तो लगाया है और किस तरह से इन्हें सरकार की जो गाइडलाइंस था उसका पूरी तरह पालन। तो ये कुछ जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लोग कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। अगर इसी तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की तीसरी लहर हाहाकार मचाएगी। ऐसे में जरूरत है हम सबको सतर्क रहने की। प्राइम टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सचेत रहे, बिना मास्क लगाए घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना सरकार के साथ साथ ये जिम्मेदारी आपकी भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।